ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूं टुआ। आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाऊंगी मटन से एक रेसिपी जो है दही मटन मसाला। मटन नहीं खाते ये बहुत कम लोग ही है। मटन से ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए देखते हैं मटन से ये रेसिपी कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं मैं दही मटन मसाला कैसे बनाती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। मटन, आलू, कार्ड को हमने पहले से ही बेटर रखे हैं, और चाहिए अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली पेस्ट, बारीक कटा हुआ प्याज, और चाहिए और मीट मसाला, चिली पाउडर, इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ते, और चाहिए क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर। मटन को टेस्टी करने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 सूखा मिर्च, 2-4 लहसुन की कली। मटन को मैं कुक करूंगी मस्टर्ड ऑयल में, तो चाहिए मस्टर्ड ऑयल। आप इस रेसिपी को टेस्टी करने के लिए इसमें टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हो। पहले मैं मटन को कर लूंगी, इसलिए एक मटन ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मटन लिया है। अब इसमें डाल देती हूँ इटे रखा कार्ड। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम कार्ड लिया है। मैंने पहले ही कार्ड पे थोड़ा सा शक्कर मिला के रखा था। शक्कर मिलाने से रेसिपी बहुत टेस्टी होती है। अब मैं इसे डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने यहाँ पे अदरक लिया है 2 टीस्पून, ग्रीन चिली लिया है स्वाद के अनुसार, लहसुन लिया है 2 मीडियम साइज। अब इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, 1 स्पून मीट मसाला, 1 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, और डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें 3-4 लहसुन की कली डाल के अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट तक साइड में रखूंगी। मटन मैरिनेट हो गया है। अब मैं आलू में नमक और हल्दी लगा लेती हूँ। अब मैं एक फ्राइंग पैन ले लेती हूँ, इसमें डाल देती हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। आलू फ्राई हो गया है। अब मैं इसे उठा लेती हूँ। इसी ऑयल में मैं डाल देती हूँ 2 तेज पत्ते, 2 सूखा मिर्च, 4 इलायची, 1 लौंग, 2 दालचीनी। अब इसे थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी, फिर इसमें डालूंगी बारीक काटा हुआ प्याज। अब प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब मैं मैरिनेट किया हुआ मटन को इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें आलू डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी। मैं मटन को तब तक फ्राई करूंगी जब तक ना इससे ऑयल निकल आए। मटन से ऑयल निकल आया है। अब मैं इसे कुकर में देके 5 व्हिसल तक वेट करूंगी। मैं कुकर में ले लेती हूँ। दही मटन मसाला में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड कर रही हूँ। मेरी दही मटन मसाला अभी रेडी है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई होप मेरी रेसिपी अब सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी दही मटन मसाला अब सभी को पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल टुअर्स किचन सब्सक्राइब ना किए हो वो मेरी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल बटन प्रेस कर दो। आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी और नई नई वीडियो लेकर। अच्छी रहिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।